अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज की स्टूडियो में आपका जो है ना वो लेडी कैडेट कोर्स जो है ना, जो फीमेल्स हैं वो एज अ कैप्टन कैसे आर्मी में अप्लाई कर सकती हैं, क्या प्रोसीजर है, एलिजिबल क्राइटेरिया, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो शेयर करेंगे, तो आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं इसमें, ठीक है, या किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप इस कॉन्टैक्ट पे जो है ना वो कॉन्टैक्ट करके तो घर बैठे अप्लाई करवा सकते हैं। सबसे पहले जो है ना वो आपने गूगल क्रोम पे आना है, WW जैन पाक आर्मी लिखना है, यहाँ पे जैन पाक आर्मी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेडी कैडेट कोर्स 25, ठीक है, जैन पाकिस्तान आर्मी एज अ लेडी कमिश्नर ऑफिसर, ठीक है। इसमें आपने जो है ना वो व्यू डिटेल, सबसे पहले हम डिटेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, देन फिर हम जो है ना ऑनलाइन प्रोसेस जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। डिटेल पे जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो आपके सामने जो है ना वो एक डिटेल जो है ना ओपन हो जाएगी, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये सारी डिटेल आपने एक दफ़ा ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। एज जो है ना वो 28 चाहिए, अगर 28 से एज कम है आपकी और आप अनमेरिड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। फीमेल 5 feet हाइट होनी चाहिए, वेट जो है ना एज पर बॉडी मार्क्स इंडेक्स, और रजिस्ट्रेशन जो है ना वो 9 जुलाई तक इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है ना वो 15 जुलाई to 24 जुलाई, और पूरे पाकिस्तान जो है ना फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। एलिजिबल कंडीशन के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, जिन्होंने क्रॉप ऑफ इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है उन्होंने BE जियो इन्फॉर्मेटिक इंजीनियरिंग 28 ही जो है ना वो आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। क्रॉप ऑफ सिग्नल में BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और क्रॉप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और क्रॉप ऑफ सिग्नल, क्रॉप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BE इंफॉर्मेटिक सिक्योरिटी, ठीक है। ये बेसिकली कैटेगरीज है जिसमें आपने अप्लाई करना है, और ये आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। एविएशन फील्ड मैनेजमेंट में जो है ना वो BE इन फॉलोइंग सब्जेक्ट, एरोस्पेस और BE एवियोनिक, ठीक है, और क्रॉप ऑफ ऑर्डिनेंस में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपकी BS इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स के लिए अगर आपने BSc इंग्लिश या MA इंग्लिश है या आपका, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका BS और MS है तो फिर भी मैथमेटिक्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमी के लिए 2.5 से अबव आपकी CGPA होनी चाहिए, एनुअल सिस्टम में 62.5 से अबव मार्क्स होने चाहिए। MPhil जो है ना MS फिल भी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है, मतलब जिन स्टूडेंट का MPhil है या MS किया हुआ है जिन स्टूडेंट ने उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। नो थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आपके किसी भी मतलब मैट्रिक FSC या जो है ना वो किसी भी जो है ना वो एजुकेशन लेवल पे आपका थर्ड डिवीजन ही होना चाहिए। कैंडिडेट ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कैंडिडेट एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज पर द प्राइवेट स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल, ठीक है, जो प्राइवेट फीमेल्स हैं वो एलिजिबल नहीं है। इन एलिजिबल कंडीशंस मतलब ये बेसिकली वो कंडीशन है जिनकी बेस पे आप इन एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, तो आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा इसको। रजिस्ट्रेशन एंड प्राइमरी सिलेक्शन प्रोसीजर, मतलब रजिस्ट्रेशन के वाले से क्या प्रोसीजर है वो ये सारा लिखा हुआ है, और सिलेक्शन के वाले से रिटन टेस्ट होगा, प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, और ये ISSB होगा, ठीक है। पहले आपका रिटन टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, फिर आपका जो है ना वो मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, फिर फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी 14 मिनट में, ठीक है, फिर जो है ना ISSB होगी। उसके बाद फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ना वो यहाँ से आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपने लेके जाने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपने कहीं फॉरन वगैरह से पढ़ा है या किसी ऐसी मतलब NOC वगैरह चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास जो है ना वो पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट हैं सारे तो फिर इसकी रिक्वायर्ड नहीं है। अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डोमिसाइल और जो है ना फोटोकॉपीज ऑफ नेशनल ID कार्ड, ठीक है, CNIC की कॉपी और 6 जो ना वो कलर कॉपीज, और फिर ये जो ना इंडोर्समेंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब जो है ना आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, अप्लाई जो है ना आपने बेसिकली इसी वेबसाइट पे आना, यही जो है ना फेज होगा आपके सामने। यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करिएगा आप, जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक ऐसा इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जिधर डॉट लगा है ना, ये डॉट लगा है जिधर रेड कलर का, ये देख रहे हैं फुल नेम के सामने डॉट लगा है, ASRC के सामने डॉट लगा है, ये मैंडेटरी है, आपने ये चीज़ें फिल करनी ही करनी है, ठीक है। और जिधर डॉट नहीं लगा, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डॉट नहीं लगा इधर, तो इसको आप अगर ऐसे स्किप भी कर देंगे तो तब भी आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कम्प्लीट समझी जाएगी। तो डिसिप्लिन आपने पहले, सबसे पहले आपने किस में अप्लाई करना है, मतलब जो भी आपकी एजुकेशन है उसके मुताबिक जो है ना वो आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। मैं जो है ना वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सेंटर आपका कौन सा है, जो भी आपने टेस्ट सेंटर रखना है वो आप यहाँ से रख लेंगे। अपना फुल नेम लिखना है, ठीक है, जो नेम आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है, ठीक है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, यहाँ से आप ईयर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कि मैंने ईयर जो है ना वो चेंज कर लिया है, और उसके बाद जो है ना यहाँ से आप जो है ना मंथ, ठीक है,
ये मंथ में आ गया, ठीक है, यहाँ से आप फॉरवर्ड जो आ सकते हैं तो मैं, और यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली डेट सेलेक्ट हो गई है, प्लेस ऑफ बर्थ, जिधर भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, अपना CNIC एंटर करेंगे, मदर टंग पंजाबी जो भी है आपकी वो यहाँ पे एंटर करेंगे, जेंडर फीमेल ही सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे जेंडर का इशू आ रहा है तो ये अमीन से अभी डिस्कस कर लेते हैं ARC वालों से, ठीक है। ये आपने फिल नहीं करना, जब आप यहाँ पे फीमेल का आएगा फिर आप जो है ना वो एंटर करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, ठीक है। उसके बाद रिलीजन इस्लाम, कास्ट जो है फिर भी आप सेक्ट वगैरह दिखेंगे आप अपनी, ठीक है। कास्ट जो है वो यहाँ पे आप जो है ना वो कास्ट अपनी लिखेंगे, सब कास्ट लिखेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, ईमेल एंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना फिर आपने बताना है कि क्या आप पहले किसी आर्मी के प्रोग्राम में अप्लाई कर चुकी हैं, ठीक है। तो मैं तो नो पे क्लिक कर दूंगा, लेकिन अगर आप किया है तो फिर आप येस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और आप फिर उसकी एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने पहले अप्लाई किया है आर्मी के किसी आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में या जिधर भी, ठीक है, जिन स्टूडेंट ने पहले अप्लाई किया है, ठीक है, जिन फीमेल्स ने अप्लाई किया है, जिन्होंने नहीं किया उसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। इसके वाले से जो है ना वो ईमेल सेंड करते हैं अभी आर्मी वालों को कि ये जो है ना वो आपका ये इसको थोड़ा सा ट्रीट करिएगा अपनी वेबसाइट को, फिर वो कर देंगे ठीक, ठीक है। तो ये आपने एक दफ़ा देख लेना, इसमें मेल नहीं फिल कर देना, ये रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। उसके बाद आपने अपने यहाँ पे पिक अपलोड करनी है, ठीक है, पिक अपलोड करनी है यहाँ से। ये 300 KB से ज़्यादा की नहीं होगा, अदरवाइज़ वो अपलोड नहीं होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं इसको पिक को जो है ना वो अपलोड कर लूँगा, जैसे मैंने इसके ऊपर टिक किया है तो ये मैं अब यहाँ से इजीली अपनी जो है ना वो पिक अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अब प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है अपना, जो भी है जिधर भी आप रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। और तहसील फिर यहाँ पे सारी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो यहाँ पे आप लिख देंगे, अर्बन या रूरल जो भी है, पोस्टल कोड आप लिखेंगे, ठीक है, जिधर आप रह रहे हैं उधर का पोस्टल कोड, अपना पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। देन फिर आप अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर फिल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आपने मैट्रिक से शुरू होना है, ठीक है, स्टार्ट से शुरू होते हैं मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर बैचलर, ठीक है। फिर अगर आपने मास्टर वगैरह किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जो भी किया, फिर वहाँ तक मैट्रिक। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक किसमें किया, साइंस में किया, तो यहाँ पे मैं साइंस लिख दूंगा। कॉलेज कौन सा था वो अपने कॉलेज का नाम लिखूंगा, ईयर कौन सा था वो ईयर लिखूंगा, ठीक है। उसमें रोल नंबर जो लिखा है मेरा वो लिखूंगा, ठीक है। डिवीजन मेरी फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है, ग्रेड जो है वो ए है, ठीक है। और उसके बाद परसेंटेज लिखूंगा, रिजल्ट स्टेटस जो है ना वो पास हूँ, ठीक है। क्वालिफिकेशन ग्रुप क्या है, साइंस है, ठीक है, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। टोटल मार्क्स कितने थे उसमें, आपने कितने ऑब्टेन किए, बोर्ड कौन सा था वो यहाँ से आप बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे अपना, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट को इशू आता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि इधर ये रेड कलर का ब्लॉक है ना उसको आपने मैंडेटरी फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट कार्ड के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा होता, ठीक है, तो स्टूडेंट जो है ना पूछ रहे होते हैं कि सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा तो हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसे होगा। तो सर्टिफिकेट नंबर अगर नहीं लिख रहा कुछ रिजल्ट कार्ड के ऊपर तो आपने इसको ऐसे स्किप कर देना है, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और उसको ओके कर देना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर तो सबके पास लिखा होगा, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और ओके कर देना, आपकी रजिस्ट्रेशन सही होगी। मैं फिर से कह देता हूँ, आपकी रजिस्ट्रेशन सही होगी। तो आपने अपना सर्टिफिकेट नंबर देखना है, अगर नहीं लिखा तो इसको स्किप करके रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के ओके कर देना है, ठीक है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन फिल हो गई, देन फिर आपने FSC की करनी है, ठीक है, वो इस प्रोसीजर होगा। FSC प्री मेडिकल इंजीनियरिंग, जिसमें भी किया आपने, कॉलेज कौन सा था, पासिंग ईयर कौन सा था, रोल नंबर क्या है, डिवीजन क्या है, ग्रेड क्या है, आर यू अ सर्विंग सोल्जर, क्या आप सर्विंग सोल्जर्स हैं, मतलब आर्मी में आप सोल्जर हैं कि नहीं। तो जो स्टूडेंट नहीं है वो यहाँ पे नहीं भी क्लिक करेंगे, जो सिविलियंस है। परसेंटेज लिखनी है, पासिंग रिजल्ट लिखना है, पास है कि नहीं, क्वालिफिकेशन ग्रुप लिखना है, टोटल मार्क्स लिखने हैं, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स इतने हैं, वो ही बोर्ड आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, और वो ही सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर सारा आपने लिखना है और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर मैं फिर से कह देता हूँ सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो इसको स्किप कर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो इसको भी स्किप कर देना है, ठीक है। जो चीज़ है वो दोनों में से लिख देनी है, ओके कर देना है, ठीक है, वो भी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन भी जो ना फिल हो जाएगी। देन फिर बैचलर, ठीक है, वो ही सारा प्रोसीजर है, CGPA वगैरह लिखना है, परसेंटेज वगैरह लिखना है और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन जो है हमारी फिल हो जाएगी। उसके बाद स्पोर्ट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं खेलते तो फिर आपने यहाँ पे नील पे नील लिख देना है, यहाँ पे भी नील लिख देंगे, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेव हो जाएगा, ऐसी आपकी एजुकेशन डिटेल भी यहाँ पे सेव मिलेगी आपको। उसके बाद नेशनैलिटी आपकी क्या की है, पाकिस्तानी है। पासपोर्ट अगर बनना है तो लिख देना है, नहीं बनना तो इसको ऐसे ही स्किप कर देना है, ठीक है, छोड़ देना इसको। कोचिंग आपने कहाँ से ली है, अगर तो कोचिंग ली है, ठीक है, इसमें जो है ना बेसिकली बहुत सी अकेडमी जो है ना इसकी कोचिंग देती हैं, मतलब कि
जो अकेडमीज़ है ना वो इसकी प्रिपरेशन करवाती हैं इस टेस्ट की, ठीक है। तो अगर आपने कोचिंग ली है तो फिर आप येस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने नहीं ली तो फिर आपने नो पे क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपने कोचिंग ली है तो फिर आपने येस पे क्लिक करना है, जब आप येस पे क्लिक करेंगे फिर आपने अपनी अकेडमी का नाम लिखना है, ठीक है। एंटर एड्रेस ऑफ कोचिंग, अपने अकेडमी का एड्रेस लिखना है और कितनी आपने फीस सबमिट करवाई थी कोचिंग के लिए वो चीज़ आपने लिखने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने कोचिंग नहीं ली वो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले 2-3 दफ़ा इसको पढ़ना है, ठीक है। मैं फिर से कह देता हूँ, 2-3 दफ़ा इसको पढ़ना है नेक्स्ट से क्लिक करने के पहले। जब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए मैंडेटरी फील्ड इन द फॉर्म मस्ट बी फिल टू बी फर्दर प्रोसीड विद द सबमिशन, ठीक है। अभी मैंने ये चूंकि चीज़ें फिल ही नहीं की, अभी आप देख सकते हैं ये चीज़ें मैंने फिल ही नहीं की, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट पे क्लिक नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे टोटल इसके 6 स्टेप हैं, ठीक है। ये अभी हम पहले स्टेप पे हैं, ठीक है। टोटल इसके 6 स्टेप हैं जिनको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो चूंकि मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो सेकेंड स्टेप जो है ना वो बेसिकली आपने अपने पेरेंट्स की डिटेल सेंड करनी है आपको, ठीक है। पहले आप अपने फादर की डिटेल सेंड करेंगे, फिर अपनी मदर्स की, फिर जो है ना अपने सिबलिंग की, ठीक है। ये तीनों डिटेल, ये फिर हो जाएगा दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरे स्टेप पे आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जो है ना, मेडिकली क्या इशूज़ हैं, ठीक है, कोई कन्विक्टेड तो नहीं है आप, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना आप थर्ड स्टेप में ये शेयर करेंगे। फोर्थ स्टेप में जो ना आप अपने बताएंगे कि आप कौन कौन सी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर कौन सा यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें। एंड वाले स्टेप में जो है ना वो आपसे बेसिकली ये पूछा जाएगा कि आपको स्विमिंग वगैरह आती है, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करते हैं आप, ठीक है। ये 6 स्टेप आपने पूरे फिल करने हैं। फिल करने के बाद आपके एंड पे जो है ना वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये 6 स्टेप्स हैं इसके। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने वापस इसी इंटरफेस पे आना है। इसी इंटरफेस पे आने के बाद आपने यहाँ से अपनी एग्ज़ाम स्लिप चेक करनी है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एग्ज़ाम स्लिप, यहाँ पे अपना CNIC, अपने फादर का CNIC एंटर करेंगे और ये QR कोड जो है ना यहाँ पे एंटर कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ठीक है। विद इन जो है ना वो 2 या 3 डेज़ के बाद आपको जो है ना वो रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी। तो बेसिकली जो है ना वो 2 या 3 दिन के बाद आपको रोल नंबर स्लिप जो है ना वो इशू हो जाती है, अगर तो हॉलीडेज़ हों, ठीक है। मतलब जैसे कि अभी ईद की छुट्टियां आ रही हैं, ठीक है, सैटरडे संडे की छुट्टी आती है, ठीक है, तो वो 2 दिन निकाल के वर्किंग डेज़ में आपको जो है ना वो फिर रोल नंबर स्लिप जो है ना वो इशू हो जाती है, ठीक है। वो फिर रोल नंबर स्लिप आपने अपने साथ लेके जानी है, डॉक्यूमेंट्स आपने अपने सारे साथ लेके जाने हैं टेस्ट सेंटर में, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो इसके वाले से कोई प्रोसीजर था। ये कोई भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नंबर मैंने आपको दिया है शुरू में, ठीक है। अगर आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप इजीली अप्लाई करवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।